हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स, और उस फॉर्मेट की शुरुआत होती है जर्नल एंट्रीज के साथ। व्हेन गुड्स सेंट टू डिपार्टमेंट, अगर कोई भी गुड्स किसी और डिपार्टमेंट में हम सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जर्नल एंट्री बनता है डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो टोटल वैल्यू है उस स्टॉक की, टू शॉप स्टॉक अकाउंट दैट इज परचेज अकाउंट, उसका जो कॉस्ट है वो, एंड टू डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। मार्कअप अकाउंट क्या है? ये मार्कअप अकाउंट जो है, एडिशनल वैल्यू जो आप कॉस्ट में ऐड करते हो, ठीक है, जो रिटेल प्राइस बनाने के लिए, जो MRP कैलकुलेट करने के लिए अपना जो एडिशनल प्राइस हम ऐड करते हैं, उसे हम मार्कअप अमाउंट कहते हैं, या फिर मार्कअप कॉस्ट कहते हैं, या फिर मार्कअप प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी मार्कअप होगा तो एडिशनल कॉस्ट, यही आपके लिए एक ध्यान में आना चाहिए। सो व्हेन गुड्स सेंट टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉप स्टॉक अकाउंट और परचेज अकाउंट, जो कॉस्ट वैल्यू जाएगा, एंड टू डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, एडिशनल वैल्यू जाएगा। गुड्स सेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल हो रहा है, यहाँ पे इंट्रा डिपार्टमेंटल हो रहा है, ठीक है। तो पहले जब हम गुड्स सेंड कर रहे थे तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट परचेज अकाउंट से हम स्टॉक अकाउंट में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे डिपार्टमेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट डेबिट, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है, वो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को स्टॉक्स भेजा, तो वाई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो एक्स वाई डिपार्टमेंटल अकाउंट डेबिट, जो कॉस्ट वैल्यू आएगा वो, देन मार्कअप अकाउंट जो एडिशनल है, जो लोडिंग उस पर लगेगी, जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वो प्राइस आएगी, एंड टू डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। क्यों, कहाँ से जा रहा है ये? स्टॉक अकाउंट से जा रहा है, जो वेयरहाउस है, जो हमारा इन्वेंट्री है, वहाँ से जाएगा, राइट। सो आपको सिर्फ सिर्फ अभी यही देखना है कि डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट टू स्टॉप टू शॉप स्टॉक टू डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट मार्कअप अकाउंट टू डिपार्टमेंट, ये जो कंटेंट है आपके सामने अभी वो देखना है। ये जो कॉस्ट होगा, लोडिंग होगी, टोटल होगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे समझ में आएगा। सब चीज़ एक साथ हम ग्रास्प कर सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा हम कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम जब सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्यूशन हम देखते जाएंगे, वैसे वैसे वो आपको और अच्छे से समझते आएगा। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, एंट्री आएगी डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टोटल वैल्यू टू सेंडिंग डिपार्टमेंट अकाउंट टू मार्कअप अकाउंट। गुड्स अब रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, तो जिस जहाँ से, जो डिपार्टमेंट से हमें आएगा, वो डिपार्टमेंट का और मार्कअप अकाउंट का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। देन सेल्स, जब सेल्स की बात होती है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स से हम क्रेडिट करते हैं, एंड देन उसके बाद वो कैश अकाउंट जाता है, एंड देन वो डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, जो एडिशनल मार्कअप प्राइस है, वो जाता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब कोई लॉस होता है स्टॉक में, ठीक है, लॉस यानी कमतरता, तो शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है, देन डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट डेबिट, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्टेज अकाउंट। दो एंट्रीज हम करते हैं यहाँ पे, एक तो शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू डिपार्टमेंट शॉर्टेज अकाउंट, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट डेबिट, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्टेज अकाउंट। ये दो एंट्रीज हम जब लॉस ऑफ स्टॉक होता है तब करते हैं। अब ये दोनों कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन में यूज़ करना है, वो हम जब सॉल्यूशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, तब वो अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। देन मार्कडाउन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी स्टॉक का मार्कडाउन हो गया तो डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट डेबिट टू डिपार्टमेंट स्टॉक, एंड देन बैलेंस इन मार्कअप इज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस होगा मार्कअप में, एडिशनल कॉस्ट में या मार्कअप अकाउंटिंग में, वो डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी आपकी जर्नल एंट्री आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक आइडिया है, ये आपके लिए एक बेस है, आपको पहले ही हमने PDF भेज दिया था ताकि आप लिख कर रेडी रहे, और आप लिखने के बाद आपको पता चले कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, कौन सा डेबिट में जा रहा है, कौन सा क्रेडिट में।
आप सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन में देखोगे और याद करने की कोशिश करोगे, याद रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब रिकॉल करोगे तो लिखने के बाद ही वो रिकॉल होने के 99.99% ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि नोट्स बनाते रहिए और अपने बुक में लिख कर रखिए। देन नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। जब हमने यहाँ पे इतने सारे जर्नल एंट्रीज किए तो उनका कहीं ना कहीं हमें अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड लेंगे और उनका जो प्राइस है वो राइट मार्कअप प्राइस आएगा। नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट देखना है, पर्टिकुलर्स देखना है क्या है। अगेन सेम जर्नल एंट्रीज में हमने किया था और आपको ये याद रखना है। तो डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक, पिछला जो भी स्टॉक है हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, कॉस्ट एक्चुअल मार्कअप कॉस्ट जो भी रहेगा वो। देन टू परचेज अकाउंट, जो भी परचेज होंगे यहाँ पे जाएंगे। टू मार्कअप अकाउंट, यहाँ पे जाएगा जो भी मार्कअप अकाउंट का वैल्यू रहेगा। ठीक है, एंड टू सेंडिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे परचेज कॉस्ट में होगा और फिर मार्कअप अकाउंट भी होगा। टू सेंडिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट, किसी और डिपार्टमेंट में हम सेंड कर रहे हैं तो कॉस्ट भी जाएगा, देन मार्कअप अकाउंट भी जाएगा वहाँ पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको अभी भी कन्फ्यूजन रहेगा कि सर ये मार्कअप अकाउंट बार बार क्यों आ रहा है, तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये जब हम सोल्यूशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मार्कअप अकाउंट क्या है और कैसे वो हम बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, परचेज अकाउंट कुछ भी होगा तो परचेज ये साइड में जाएगा, डिपार्टमेंट में कोई सेंड करना है तो आपको यहाँ पे जाएगा, और बैलेंस जो क्रेडिट कैरिड डाउन करना है, क्लोजिंग स्टॉक करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है। देन आपके राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स होगा, कैश और क्रेडिट वो हमें लिखना है। फिर मार्कअप अकाउंट मार्क डाउन होगा वो यहाँ पे लिखना है। रिसीविंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइस जाएगा, कोई शॉर्टेज है कोई लॉस है तो मार्कअप प्राइस में जाएगा, और बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो कॉस्ट और एक्चुअल। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा आपको वो लिखना है ये साइड में जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, एंड देन राइट साइड में जो भी आपको स्क्रीन में बैलेंस दिख रहा है कैरिड डाउन, वो आपका जो एक्चुअल बैलेंस बचेगा इन दोनों का डिफरेंस वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन मार्कअप अकाउंट भी बनेगा, उसमें डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में जाएगा ऑन ट्रांसफर और मार्कडाउन में, देन शॉर्टेज अकाउंट, डिपार्टमेंट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस कैरिड डाउन जो एक्चुअल मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक है वो। देन फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, यहाँ पे जब कैरिड डाउन है तो ऊपर ब्रॉट डाउन होगा। डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट ऑन परचेज ट्रांसफर रिसीव्ड एडिशनल मार्केट मार्कअप, एंड देन जो बैलेंस रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर वन है, इलस्ट्रेशन है। सुमन लिमिटेड इज डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड। द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट बिसाइड्स देयर एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,000 ईच। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थ्री डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1993 आर गिवन बिलो। तो हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है एक्स वाई एंड जेड, और उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डेटर्स एट द एंड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, देन द बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर एंड द बेसिस ऑफ देयर एलोकेशन अमंग थ्री डिपार्टमेंट आर गिवन बिलो। अब जब ये बेसिस हमको लिख के देते हैं तो कैरेज इन्वर्ट जब हम देखेंगे तो देखिए परचेजेस कितना है 264, 176 एंड 88, तो इनको टोटली ऐड करना है, देन फिर बाद में उनका रेशियो निकालना है, एंड देन वो परचेजेस के हिसाब से ही वो रेशियो डिवीजन होगा उनका। ठीक है, तो वो याद रखना है कि जब एलोकेशन होता है तो उनका डिवीजन रेशियो निकलता है, वो रेशियो के हिसाब से एलोकेट होगा। अब यहाँ पे टर्नओवर लिखा है तो जो टर्नओवर होगा, जो सेल्स होगा, उस हिसाब से हमें वो रेशियोज निकाल कर वो एलोकेट करना है। ठीक है, तो सैलरीज इंक्लूड इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसके ऊपर ये डिवाइड होगा। एडवर्टाइजमेंट सेल्स के ऊपर जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टर्नओवर अगेन सेल, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेजेस के हिसाब से जाएगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, किसने कितना स्क्वायर फीट ऑक्यूपाइड किया है उस हिसाब से रेंट और रेट्स एंड टैक्सेस लगेंगे। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तीनों को इक्वली हम डिवाइड करेंगे।
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 30 जून वर एज फॉलोज। शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट दिया है, शेयर कैपिटल गुडविल बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल फर्नीचर सन्ड्री क्रेडिटर्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1993 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन देखना है। देखिए वेरी सिंपल, इन द बुक्स ऑफ सुमन लिमिटेड किसके बुक में लिखना था वो हमने नाम लिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1993। हमने लिया लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। हमने देखा टू स्टॉक टू परचेस टू कैरेज इनवर्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे कोई मार्कअप नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई किसी का कुछ नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो सीधे हमने जो फॉर्मेट में देखा था कि जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे ले लिया, फिर परचेजेस हमने लिया यहाँ पे, देन कैरेज इनवर्ड्स जो हमें ले आए। कैरेज इनवर्ड क्या है, जो परचेज हम करते हैं उसका जो कैरिंग चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो सारे चार्जेस हैं यहाँ पे। एंड देन फिर उसके बाद हम सेल्स की तरफ देखेंगे, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ठीक है वो हम देखेंगे, एंड देन इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। इतना हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बोर्ड और पेपर नहीं है, बोर्ड और चौक नहीं है, तो उस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है, जो आपको पहले ये करना है कि क्वेश्चन आप अपने बुक में लिख लीजिए एंड देन चेक कीजिए कि सर स्टॉक आया है, राइट, वहाँ पे टिक कीजिए स्टॉक है, परचेजेस आया तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें ये कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अब ये लाइन के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होगा, ठीक है। तो ऑल द डेबिट्स, ठीक है, जितने भी डेबिट्स है वो हमारे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, और जो भी क्रेडिट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हमारे इनकम्स होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंडिचर है, सैलरी ऑफ मैनेजर एक्सपेंडिचर है, देन सैलरीज सिर्फ सैलरीज है तो वो भी एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे अमाउंट्स देखिए, आपको एलोकेशन बेसिस दिया गया है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड 6,000 रुपीज़ है और इनका जो परचेजेस के बेसिस पे एलोकेशन है, तो अब ध्यान दीजिएगा कितना कितना कैसे कैसे होता है। टू सिक्स फोर प्लस 176 प्लस 88, 264 प्लस 176 प्लस 88 टोटल कितना आ रहा है, 528, ठीक है। अब ये 528 जो है इनका टोटल है, ठीक है। मैं अब एक ट्रायल बताता हूँ कि हमारी गलती कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे कैरेज इनवर्ट जो है अमाउंट टोटल 6,000 है, एलोकेशन हमें परचेजेस के हिसाब से करना है, तो यानी एक्स को 264,000 के हिसाब से कुछ अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो 264,000 डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारे लिए वो, ओहो फिर से करना पड़ेगा, कोई नहीं, 264,000 प्लस 176 प्लस 88, 528, ठीक है, 528 3,000 यहाँ पे जा रहा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्स को 3,000 जा रहा है नहीं जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये जो रेशियोज है हमें निकालना है और वो रेशियो हम कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा दूसरे डिवाइस के साथ कैलसी लेने दो, मुझे वो नंबर एक्चुअली याद नहीं हो रहा है। तब तक आप अपना काम कीजिए, ध्यान दीजिए और देखिए कि आपने क्वेश्चन जो लिखा है
वो सही है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो एलोकेशन है मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे सिस्टम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैल्सी में आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अगला जो इलस्ट्रेशन होगा उसमें मैं 100% आपको बताऊँगा। अगर आपको पता है कि एलोकेशन कैसे करना है, सर मेरे को पता है आप स्क्रीन में ये कीजिए वो कीजिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरी जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो एलोकेशन अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पता चल रहा है तो ध्यान रखिए कि एलोकेशन हमें कैरेज आउटवर्ड परचेज के हिसाब से करना है। ठीक है, और उसी तरीके से हमने बाकी के कैलकुलेशंस किए हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट भी नहीं देखोगे, एक दो सम अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट सॉल्व किया होगा, आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको अगर मैं क्वेश्चन दूँ तो आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन अब इसका बैलेंस शीट बनाना है। अब आपको बैलेंस शीट तो पता ही चल गया होगा कि कैसे बनाना है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है एंड एसेट्स है। को कुछ कुछ बुक्स में पहले लेफ्ट साइड में एसेट्स लिखते हैं फिर लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, आप कैसे भी लिखे एट द एंड आपको ये टोटल जो बैलेंस है वो मैच करना है। तो लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। एंड देन एसेट्स में फिक्स एसेट्स, गुडविल, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लेस करना है, इक्वल है डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम ये कैलकुलेट करना है। एंड देन बिल्स रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बेसिकली बैलेंस हमें 5,20,000 का दोनों में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में दिखाना है। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस अमाउंट नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए नोट दिया है, एलोकेशन ऑफ सैलरीज, टोटल सैलरीज ऑफ 80,000 इंक्लूड सैलरी ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर बिंग 3,000 फॉर ईच डिपार्टमेंट, देयरफॉर सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज दैट इज 81,000 माइनस 9,000 रुपीज 72,000 विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज के हिसाब से वो रेशियो बनाया जाएगा। कमीशन टू मैनेजर हैज़ बिन कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट में हम वो मैनेजर्स का सैलरी कैलकुलेट करेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले। नेट प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस ऑल द एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद हमें मैनेजर्स को सैलरी देना है और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से हम कमीशन देंगे। ठीक है, बिकॉज सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, सैलरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग कमीशन टू दिस डिपार्टमेंटल हेड्स। वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू दिया है फर्नीचर का वो डेप्रिसिएशन के बाद दिया है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो सोच कर कैलकुलेशन करते हो, आपका सोच जो है वो अलग हो सकता है, एग्जामिनर का सोच अलग हो सकता है, टीचर का सोच अलग हो सकता है। तो आप जो भी एक्स्ट्रा करते हो ना, आप जो भी आउटस्टैंडिंग काम करते हो, तो वो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर को पता होगा, मैडम को पता होगा, क्योंकि आपने ये जो अमाउंट डिराइव किया है या फिर ऊपर का जो अमाउंट आपने ये डिराइव किया है, ये जो अमाउंट्स है आपने क्या सोच के डिराइव किया? अगर आपको लग रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें कुछ और बेसिस पे लेना है, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस कुछ और बेसिस पे लेना है, तो भी आपको वो लिखना है कि आई हैव टेकन दी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो। सो डिपार्टमेंटल सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्पेशली जब आप एलोकेशन की बात करते हो, रेशियोज़ की बात करते हो, आप किसी कैलकुलेशंस की बात करते हो, तो आपको वो दिखाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशंस के मार्क्स इसलिए दिए जाते हैं। एंड देन आफ्टर दिस वीडियो वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2।
देखते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैसे आपको सॉल्व हो रहा है, एंड देन उसके बाद हम जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।